बढ़ेंगे आगे। अब बात कांग्रेस नेता अजय राय की। अजय राय को लेकर भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कांग्रेस नेता अजय राय की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने अपने भाई अवधेश राय की हत्या का मुकदमा वाराणसी से इलाहाबाद ट्रांसफर करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि आरोपी मुख्तार अंसारी की तरफ से इस अर्जी का विरोध किया जाएगा। तो आज इस मामले में सुनवाई होनी है, जहां कांग्रेस नेता अजय राय की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उधर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज एक बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे विधान भवन में ये सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। ई विधान सिस्टम लागू करने को लेकर ये बैठक होगी, जहां बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से। तो 12 बजे आज ये बैठक होने जा रही है। सर्वदलीय बैठक विधान भवन में होगी। इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे और जो मकसद है वो है ई विधान सिस्टम लागू करने का एजेंडा है जिस पर ये बैठक है। मंडलीय दौरों से लौटकर आए मंत्री समूहों ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपना शुरू कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री एक्शन मोड में भी आ चुके हैं। सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य होंगे और मंत्री समूहों की रिपोर्ट नोडल अधिकारियों को दी जाए, जिस पर फौरन कार्रवाई हो सके। तो इसी तरह से जहां अलग अलग विभागों से लगातार उनका एजेंडा मांगा जा रहा है, सीएम योगी 2020 के बैच के ट्रेनी आईएएस अफसरों से आज मुलाकात भी कर सकते हैं। खबर है कि शाम 4 बजे सीएम की इन ट्रेनी आईएएस अफसरों से मुलाकात होगी। ऐसे में इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ आज इन्हें कुछ मंत्र भी दे सकते हैं। और एक खबर हाथरस से मिल रही है, जहां हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। हालांकि इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है, क्योंकि आरोपियों ने अवैध हथियार की बट से प्रहार कर एक युवक का दांत तोड़ दिया था और मोबाइल भी उसका तोड़ दिया, जिसकी शिकायत पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़ित के मुताबिक लड़कों की फायरिंग का वीडियो उसने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था और इसी वजह से उसे मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। और अब बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट से इटेरा और छोटी मिलक के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया है। इन दोनों ही जगहों से तकरीबन 10 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। जो जमीन खाली करवाई गई है उस जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए अनुमानित है। भारी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने। और अब खबर आजमगढ़ से, जहां पुलिस बसपा के पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उमाकांत यादव की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की ओर से थाना सराय मीर को ये आदेश दिया गया है। जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा माफिया तत्वों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण के अभियान में FIR नंबर 29/21-31 गैंगस्टर एक्ट के हिस्ट्री शीटर अभियुक्त उमाकांत यादव की अपराध से अर्जित संपत्ति, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 1 लाख रुपए है, जिसमें 14 भूखंड शामिल हैं, इसको 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कराए जाने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ से प्राप्त कर लिए गए हैं। इस आदेश का अनुपालन करने के लिए थाना प्रभारी सरायमीर को निर्देशित कर दिया गया है। माफिया तत्वों व अपराधियों के विरुद्ध आजमगढ़ पुलिस का 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।